एक दलित बच्चे ने मंदिर की मूर्ति को हाथ लगा दिया तो ब्राह्मणवादियों ने परिवार पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। परिवार ने भी ऐसा विरोध किया कि ब्राह्मणवाद की चूले हिल गई। ये तस्वीरें कर्नाटक के कोलार जिले से आई हैं और तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग घर में रखी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा रहे हैं, उन्हें घर से बाहर कर रहे हैं और उनकी जगह बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीरों और मूर्तियों को लगा रहे हैं। ये तस्वीरें गुलामी से मुक्ति के प्रतीक हैं कि कैसे गुलामगिरी को छोड़कर, ब्राह्मणवाद को छोड़कर हम लोग अपनी बौद्धिक विरासत तथागत बुद्ध की तरफ लौट सकते हैं, उसकी ये गवाह तस्वीरें। इसलिए हमने इसको नाम दिया है गुलामी से मुक्ति। मामला आपको कुछ समझ में आए इसलिए मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूं। दरअसल कर्नाटक का एक जिला है कोलार और कोलार से ये तस्वीरें आई हैं, जहां पर एक गांव में ऐसा हुआ कि जो दलित बच्चा है उसने एक मंदिर की मूर्ति को हाथ लगा दिया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ये घटना जो है 8 सितंबर की है और कोलार जिले के गांव में, जिसका नाम उल्रा हल्ली विलेज है, वहां पर एक दलित बच्चे ने जब मंदिर में रखी मूर्ति को हाथ लगा दिया तो ब्राह्मणवादी भड़क उठे। बच्चे को पकड़कर डांटा गया, परिवार के पास ले जाकर उनको धमकाया गया और परिवार पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। ब्राह्मणवादियों ने पंचायत करके कहा कि क्योंकि बच्चे के हाथ लगाने से मंदिर दूषित हो गया है, इसलिए पूरे मंदिर में दोबारा से पेंट कराना होगा, हवन कराना होगा, शुद्धिकरण करना होगा और उस पर 60,000 रुपए खर्च होंगे, जो कि इस बच्चे के पिता, जो दलित परिवार के लोग हैं, वो चुकाएंगे। और पूरे परिवार पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया और कहा गया कि 1 अक्टूबर तक ये पैसा जमा करो वरना आपका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ये कहा गया उन ब्राह्मणवादियों की तरफ से परिवार को। और फिर इस परिवार ने इतना गुस्सा दिखाया कि जिन देवी देवताओं की, जिस हिंदू धर्म को वो ढो रहे हैं, उसकी पताका को उठाए हुए हैं, जिन देवी देवताओं को वो घर में पूजते हैं, उनकी मूर्ति को, तस्वीर को उनका बच्चा हाथ भी नहीं लगा सकता, मंदिर की चौखट को, पिलर को हाथ भी नहीं लगा सकता, तो फिर हम इनको अपने घर में क्यों रखें। वहां पर जो परिवार हैं आप देख रहे हैं, उनके साथ कुछ अंबेडकरवादी लोग हैं, उन्होंने भी उनको बात समझाई कि क्यों ऐसे मंदिर में जाना जहां आपको दुत्कार मिले, जहां आपको अपमान मिले, जहां आपके बच्चे के साथ ऐसा तिरस्कार हो और आपके ऊपर जुर्माना भी ठोक दिया जाए, ब्राह्मणवादी आपका शोषण करें, ऐसे मंदिर में क्यों जाएं, ऐसे देवताओं की पूजा क्यों करें। और उसके बाद इस परिवार ने ठान लिया कि वो ब्राह्मणवाद की गुलामगिरी से आजाद हो जाएंगे, ब्राह्मणवाद की जंजीरों को तोड़ देंगे। और इस परिवार ने वही किया जो इन्हें करना चाहिए, हर बहुजन दलित परिवार को ऐसा ही करना चाहिए जो कोलार जिले के इस परिवार ने किया है। इन्होंने घर में रखी सारी की सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को उठाया, उनको घर से बाहर किया और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध की मूर्ति उनकी जगह पर आई। आप देखें तस्वीरों में मोर पंख दिखाई दे रहे हैं, वहां पर मूर्तियां, तस्वीरें दिख रहे हैं। घर देखिए, घर की हालत देखकर आपको अंदाजा होगा कि बहुत अमीर ये लोग नहीं है, गरीब लोग हैं, लेकिन घर के कोने में इन्होंने मंदिर बनाया है, जिस मंदिर में इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की पूजा की इस उम्मीद से कि उनके दिन बदल जाएंगे, देवी देवताओं कोई चमत्कार करेंगे, उनके अच्छे दिन आ जाएंगे, उनके जीवन में कुछ बेहतर सुधार होगा। तो उन तस्वीरों की, मूर्तियों की जिनकी पूजा कर रहे थे, उनसे तो कोई बदलाव, चमत्कार नहीं आया, उल्टा उनको हाथ लगाने पर ब्राह्मणवादियों ने परिवार पर 60,000 रुपए का मोटा जुर्माना लगा दिया। इसके गुस्से में, इसके आक्रोश में इस परिवार ने उन मूर्तियों को, तस्वीरों को ही घर से बाहर कर दिया और वहां बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध की मूर्तियों को लाकर रख दिया और कह दिया कि हम ऐसे धर्म में नहीं रहेंगे, हम ऐसी देवी देवताओं की, ब्राह्मणवादियों की पूजा नहीं करेंगे जहां हमको सम्मान नहीं मिलता, जहां हमको इज्जत नहीं मिलती। और इस परिवार ने फिर अपने पुरखों की विरासत, बौद्धिक विरासत की तरफ वापसी की है। इनको आप सही मायनों में घर वापसी कह सकते हैं। इस मामले में अब कानूनी जो कहें कि कार्रवाई हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कोलार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गांव का दौरा किया है और 8 लोगों के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज की है, उन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार सवर्ण मानसिकता के ब्राह्मणवादी लोगों का खुलेआम समर्थन करती रही है, तो शायद यही वजह है कि अभी तक उस पर कानूनी कार्रवाई उस तरीके से नहीं हुई है।
लेकिन वहां के डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। उनके खिलाफ शिकायत तो की ही जा चुकी है, लेकिन इस मामले में जो परिवार ने काम किया है वो बहुत शानदार काम है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। गुलामी से मुक्ति है कि उस मानसिक गुलामी से जो कहें कि ब्राह्मणवादी धर्म के जरिए आपके दिमाग को कैप्चर करके रहते हैं, आपके दिमाग पर कंट्रोल करते हैं, उससे बाहर निकलना हर बहुजन, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी विरासत को पहचाने और ऐसे धर्मों को हटा दे। अब यहां आपको अपने पुरखों की बात को भी याद करना चाहिए, वो पुरखे आपको क्या सिखा के गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको क्या सिखाया। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो समानता और बंधुता सिखाए, ऐसे धर्म को मानता हूं, लेकिन ऐसे धर्म में जहां पर मेरे को सम्मान नहीं मिलता, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐलान किया, मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, पैदा होना मेरे बस में नहीं था लेकिन मैं मरूंगा नहीं, और आखिरकार उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उसी के लिए उन्होंने काम किया, हिंदू धर्म को त्याग दिया। यहां आपको पेरियार साहब की बात को भी याद करना चाहिए, पेरियार साहब आपको सिखा के गए हैं ऐसा धर्म जो तुम्हें नीच ठहराए उस धर्म को लात मार दो, पेरियार साहब ये बात आपको बता के गए हैं। उनके विचारों पर हमें चलना चाहिए, जहां हमें सम्मान नहीं वहां से हमें हट जाना चाहिए, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां तिरस्कार, अपमान, गालियां मिलती हों, ऐसी जगह जाके क्या करना है। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे हमारी जो लड़ाई है वो मंदिर मस्जिद की नहीं, स्कूल कॉलेज शिक्षा की लड़ाई है, उसको याद कीजिए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले आपको समझा के गए हैं, बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, उसी तरह पूजा पाठ करना या करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं बल्कि धंधा है, और वो धंधा उन लोगों के काम आता है जो उनकी तिजोरियों पर कब्जा करके बैठे हैं, जो वहां पर पुजारी जन्मजात मेरिट के हिसाब से बन जाते हैं। हमारे लोग नहीं बनते, अपनी जेब से पैसा जाकर वहां देते हैं और उसी पैसे का इस्तेमाल फिर बहुजनों की अकमारी के खिलाफ होता है। वहीं से यह ऐलान होता है कि आरक्षण को खत्म कर दो, आरक्षण से नुकसान हो गया, इसको खत्म कर दो, इनको पढ़ने मत दो, तमाम तरीके की बातें आती हैं और तमाम लोग कहते हैं संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करेंगे। तो ऐसे लोगों की गुलामगिरी से हमें आजाद होना है। इस परिवार ने दिल जीत लिया, मतलब इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। समय लगता है मानसिक गुलामी से निकलने में, धीरे धीरे आपको कोशिश करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए, और मुमकिन है कि एक दिन इन परिवारों की तरह, इन लोगों की तरह ही तमाम लोग उस गुलामगिरी, उस मानसिकता से बाहर आ जाएंगे। मुझे ये इन लोगों का कदम बेहद अच्छा लगा, इसमें किसी से भिड़ना, किसी से कहें कि लड़ाई झगड़े में उलझना, कानूनी पेचीदगियों में जाना, उससे बच के इन्होंने सीधा सा रास्ता अपनाया कि अपने घर से इनको बाहर कर दिया। ये सफाई अभियान है और अपने पुरखों को वहाँ पर ये लेके आए हैं, तो हमें भी वही करना चाहिए, अपने पुरखों की तरफ लौटना चाहिए। जो हिंदू देवी देवताओं के प्रति आस्था रखते हैं हमें उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनके जहन में जो चीज़ें हैं शायद वो निकलने में, उनको तार्किकता समझने में, उनको वैज्ञानिक सोच डेवलप होने में, अपने पुरखों की बौद्धिक विरासत को समझने में वक्त लगे, इसलिए उनका मजाक भी मत उड़ाइए, उनसे संवाद कीजिए, उनको समझाइए कि वो भी घर वापसी करें, अपने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलें और इस तरह की गुलामगिरी से बाहर निकलें, ये बहुत जरूरी है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं, ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय दें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे जो फेसबुक के नए पेज है द न्यूज वीक का फेसबुक पेज, उसे भी जरूर लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। द शूद्रा का पेज बंद हो गया है तो वहां पर आप जाइए, उसको लाइक कीजिए ताकि हम अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज वीक।